कुछ तो एवरीवन, तो हमने यहाँ की लोकल टेरी ले ली है अभी बैठने के लिए एंड वी आर वे टू श्री बांके बिहारी धाम। जब भी आप वृंदावन आए तो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़रूर करें सो दैट यू विल गेट टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, बिहारी जी के दर्शन करने। रौनक भारत शहर में वृंदावन में भक्तों की भीड़ बेटी राधे 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 यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इन्हें बेसिकली टिर्री कहा जाता है यहाँ पे और बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ और भक्त सारे इसीलिए सफर करते हैं अलग अलग मंदिरों में जाने के लिए टेम्पल्स में जाने के लिए दर्शन के लिए एंड दीज आर द बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हियर। बाकी बिहारी की गली में अरे वो देख सकते हैं आप टेम्पल स्टैच्यू मेन रोड से। जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारी दुकानें दिखेंगी जहाँ पे भगवान के बहुत सुंदर से वस्त्र और भगवान के बहुत ही सुंदर विग्रह भी यहाँ पे मिलते हैं। बसा दो
ये भाई पूरा प्रयास करते हुए पुंगी बजाने के लिए बाकी बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सैटरडे संडे को स्पेशली कुछ ऐसा माहौल रहता है बिहारी जी के दरबार में, कुछ ऐसी भीड़ रहती है, ऐसी रश रहता है, ऐसी रौनक रहती है। तो आप भी सैटरडे संडे को प्लान कर सकते हैं या फिर हफ्ते के किसी भी चौदह दिन में भी प्लान कर सकते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी के मंदिर के सामने हूँ और आप उनके मंदिर के टेम्पल के शिखर दर्शन कर सकते हैं। गोपाल गोपी वल्लभ हरे कृष्ण एवरीवन गोविंद बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल के यहाँ से आपको दर्शन करवा रही हूँ, आप उनके चौखट के दर्शन कर सकते हैं। गोपाल हरि बोल गोवर्धन उद्धरम गोवर्धन उद्धरम धीरम त्वं वंदे गोमते प्रियं त्वं वंदे गोमते प्रियं बिहारी जी से मिलने की खुशी और मिलने के बाद में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आप बिल्कुल सकारात्मकता से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। यही तो स्पेशल बात है हमारी बिहारी जी की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी जी की गली में बिल्कुल स्पेशल बनता हुआ पनीर चिला आप जब भी यहाँ आए तो ज़रूर खाएं। और यह लस्सी और यह है बिहारी जी का प्रसाद और यह है एक बंगाली कृष्ण भक्त जो कि बिहारी जी की गली में बैठकर हरि भजन करते हैं और बहुत ही सुंदर हरि भजन करते हैं। कभी आप यहाँ पर आए और यहाँ से निकले तो इन्हें बैठ कर 2 मिनट के लिए ज़रूर सुने। और ये इस व्लॉग का सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि ये मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैंने इस पार्ट को पूरा रखा है। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रख के इसे देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। हरि बोल। Bhakti bhakti te bolo hari pale bolo
जब मैं यहाँ से क्रॉस हो रही थी तो बाबा अकेले बैठ के हरि भजन कर रहे थे और पूरे मगन पूरे ध्यान से कर रहे थे। और जब मैं यहाँ पर आके बैठी तो बहुत सारी जनता आ गई। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसे देख रहे हैं, आप जब भी ब्रज धाम में आएँ या ऐसे किसी भी जगह पे जाएँ जहाँ पे आपको ऐसे भक्त मिले, आप उनके इस भक्ति को सम्मान दें और थोड़ा सा दान करें तो उनकी भक्ति और बढ़ जाती है और उन्हें और आनंद आने लगता है ये देख कर के लोग भी उनकी भक्ति से आनंदमय हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होगा आप लोगों का। सो मच दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस ब्यूटीफुल से ब्लॉग को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आने वाले समय में मैं और कई सारे ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ और कुछ स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, स्पिरिचुअल ट्रैवलर रजनी। हरे कृष्णा हरि बोल।